आज 8 दिसंबर सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ आज गंगा चोटी। और इस एडवेंचर में मुझे ज्वाइन करेंगे उस्मान अली कश्मीरी साहब, मीरपुर के राइडर हैं वो मुझे ज्वाइन करेंगे सुदन गली से, तकरीबन 12 बजे वो पहुँच जाएंगे उधर। तो फिर चलो बाकी बताते हैं आपको। मैं पहुँच आया हूँ इस वक्त सुदन गली, उस्मान अली कश्मीरी का इंतज़ार करते हैं और चाय की चुस्की भी लगाते हैं और साथ में टेंट को धूप भी लगाते हैं। उस्मान अली कश्मीरी साहब आ गए, साइड में ला छोड़ा, खाना वगैरह खाते हैं और फिर अगली गपशप लगती है। आलू है जी और सुदन गली मेरी सबसे फेवरेट डिश है, दो एक प्लेटें खा लेंगे। इस वक्त हमें बेंजीर पैलेस और आप भी इधर से निकलेंगे हम गंगा टॉप की तरफ। और नीचे से कुछ सामान ले लिया हमने जो खाने पीने का, ड्रिंक वगैरह, और ऊपर जाके कैंप वगैरह लगाना है। ये कोहरा देख सकते हैं आप और बाइक किधर फंस चुका है, बिल्कुल ज़रा भी नहीं हिल रहा। मेरा पार्टनर थोड़ा पीछे है, वो भी आता है, तब तक इसका बंदोबस्त करते हैं कुछ, इंशाल्लाह बेहतर होगा। हाँ जी जाट साहब, हाँ जी देख लें कोहरा, ये इधर से रोड तोड़नी शुरू किया, उधर तक ले गया हूँ मैं हमारा। देखें जी दोनों बाइक फंस चुके हैं इस वक्त, ये चेक कर सकते हैं आप, ये शीशा बन चुकी है बर्फ इस वजह से। यहाँ पर दोबारा स्टॉप हो गए बाइक, मैं तो नीचे गिर गया था। जट साहब बड़ी बुरी सूरत हाल है जी, फंसे भी हम और नीचे लगाए जी, अंदाजा हो इनको, ये एक पैच है तकरीबन 4 से 5 फुट का, ये हमसे क्लियर नहीं हो रहा। अब अंदाजा लगा लें बर्फ की सख्ती का कि क्या क्या मामला आते हैं इधर। तो बस हो गया बिल्कुल, ये देखें साथ भाई रास्ता क्लियर कर रहे हैं, बिल्कुल बाइक इधर से ऊपर ही जा रहा, बड़ा मसला बन गया। ओह यहाँ पर बिल्कुल बाइक भी बस कर गए और वो साथ भाई हैं। शाम पड़ गई है और साथ भाई ढूंढ रहे हैं कैंपिंग कहाँ पर लगाएं। इस वक्त टेम्परेचर है 4.8 और अभी मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने और बहुत हम लेट हो चुके हैं, 6:15 बज चुके हैं और लकड़ियाँ लाते हैं और फिर आग का बंदोबस्त करते हैं। टाइम हो चुका है तकरीबन रात के 8 बजे और आग जल चुकी है। हमारा मिशन ये था कि हम रात को
मैं और उस्मान भाई जाकर खाना खाते नीचे सुजन गली, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि कोहरा पड़ गया और बाइक स्लिप कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब रात को ज़ाहिर है खाना ही खाने जाना था, वैसे तो कैंप लगा लिए हैं। अभी हम जरा बोनफायर को एंजॉय करेंगे, थोड़ी देर बाद चाय पियेंगे। चाय तकरीबन तैयार हो चुकी है और अभी इसको उतारना है। बड़ी नशोई चाय बनी है समझ लें आप, अखीर नशे वाली मज़ेदार शनकार चाय अभी हम पीने वाले हैं जी। माइनस में टेम्परेचर आ चुका है और रात के 10:30 बज रहे हैं, चाय भी चल रही है और अल्लाह का शुक्र है बोनफायर भी है। इंजॉयमेंट की हद है, मज़ा आ गया, ख्वारगी की ख्वारगी, इंजॉयमेंट की इंजॉयमेंट जेट राइडर के साथ। टाइम हो चुका है रात के 12 और 9 दिसंबर का आगाज़ हो चुका है। आज मेरी 28वीं बर्थडे है जो आज मैं सेलिब्रेट करने आया हूँ गंगा चोटी। इस खुशी के मौके पर मैं अपने आप को ख़ुद ही सलामी दूंगा जो आप अभी देखेंगे। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे जाट राइडर। रात के 12:30 बज रहे हैं, हम टेंट में आ चुके हैं, सेलिब्रेशंस हो चुकी हैं, अब सोने का टाइम है। तो ये कुछ माहौल है इधर, बाकी हम है अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। सुबह हो चुकी है जी और अभी जा रहा हूँ मैं, इस वक्त 6 बज रहे हैं, आपको व्यू दिखाते हैं टेंट से बाहर का। ये कुछ मनाजर हैं सुबह के वक्त के इधर। सात बज रहे हैं, नाश्ता करना है हमने, उसके लिए आग जलानी है, लकड़ियों का बंदोबस्त हो गया, अब आग जलाते हैं। आग जल चुकी है और साथ भाई नाश्ता बनाएंगे, अभी नाश्ते में चाय चलेगी सिर्फ। चाय और हल्की फुल्की भूख।
आज जो हमने रात को सरवाइव किया है इधर आसानी से, आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं कैंपिंग के लिए, ताकि आपके पास हो और आप आराम से सरवाइव कर सकें। सबसे पहले ये नाइफ़, ये आपके पास होना चाहिए। ये लकड़ी भी काट सकता है, उसके अलावा कुकिंग वगैरह आ जाती है। ये कुल्हाड़ी मैंने ली थी पिशावर से और बहुत ही क्लास की निकली है। इवन कि ये सारी लकड़ियाँ ये बड़ी बड़ी मैंने इस कुल्हाड़ी से काटी हैं। उसके बाद सबसे अच्छा हथियार टीज़र। अब टीज़र का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, उसमें एक दो टार्च है और उसके बाद है टीज़र। ये जो चीज़ है इसका मकसद ये है कि रात को अगर कोई जानवर आ जाता है आप उससे महफूज रह सकते। ज़िंदगी आपकी अपनी है, इसको इंजॉय करना है आपने अपने हिसाब से। हमारे लोगों के मोस्टली टूर्स इसलिए तबाह हो जाते हैं कि वो डिपेंडेंट होते हैं बाकी लोगों पर। कभी या तो सीखें तैयार नहीं होती, या कोयले नहीं मिलते, या मुर्गी नहीं मिलती। मकसद जो है वो होता है आपका एंजॉयमेंट। टूर्स में आपने करनी होती है एंजॉयमेंट। खाना पीना बंदा घर भी कर लेता है, अच्छा सोना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये आपको घर भी मैसर है। जो चीज़ें आपको मैसर नहीं हैं वो है ये ऐसा मौसम और एक मज़ेदार आग और एंजॉयमेंट। एंजॉय करें अपने खर्चे पर।